कई बार आप देखोगे इस टाइप का अपन रोटर जो होता है इसका बैरिंग सीट अपन जो बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बैरिंग सीट बनाने के लिए जैसे ये सीट लूज हो गया है तो ये अपन जैसे वेल्डिंग किए तो कई बार ये होता है यहाँ से गर्म होने वजह से हल्का सा यहाँ पे उछाल आ जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कर रहे सीट जो है और ये सेंटर जो यहाँ पे आउट हो जाता है क्योंकि गर्म होने वजह से हल्का से लहर आ जाता है, हल्का फुल्का जो यहाँ पुल्ली लगाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं करता है, पर यहाँ पे अगर उस मिलाने में अपने को इसको 0-0 थ्रू करने में दिक्कत करता है क्योंकि यहाँ पे जब बेंड होता है तो ये सेंटर जो यहाँ पे देखिए आउट हो जाता है। तो इस टाइप का बड़ा सेंटर जब आउट हो जाता है तो देखिए अपने को क्या करना है। आप चाहें तो यहाँ पे नट बोल्ट जो बोल्ट होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इस तरीके का अपन एक ठो प्लेट ले लेना है जिस जो बिल्कुल मतलब ये फेस सरफेस जो इसका दोनों तरफ से बराबर हो, बिल्कुल मतलब ये सेम साइज का प्लेट हो। तो मैं यहाँ पे कमानी पट्टा का जो टुकड़ा होता है उसको यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे अपन एक होल कर लिए, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे नट बोल्ट भी यूज कर सकते हैं, बस इसका आपको याद ध्यान देना है कि ये फेस बराबर होना चाहिए और इसका फेस बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन में आपको क्या करना है तो ये देखिए अपन यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके की जो प्लेट है इसको अपन को यहाँ पे लगा देना, इसका फेस बस बराबर रखना है, ध्यान रहे। और ये भी बिल्कुल मोटाई जो है दोनों तरफ से इसका फेस जो है इधर से भी बराबर रहे। इसके बाद अपने क्या करना है, सिंपली इस तरीके से देखिए यहाँ पे बस इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना है और ये यहाँ पे इस तरीके से टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद से देखिए जब अपन यहाँ पे जो बैरिंग जो है यहाँ पे इसको जीरो कर लिए, इस तरफ से ओडी को इसके रोटर को थ्रू करने के समय इसको जीरो कर लिए, बैरिंग जीरो कर लिए, अपन को जब इस तरीके के यहाँ पे जब दूसरे साइड में जब इसको थ्रू करेंगे इससे और इसको मिलाएंगे उस दोनों सीट से तो यहाँ पे अपन को ठोक के मिलाते बनेगा। अगर ये सेंटर अगर ये जो प्लेट देखिए यहाँ पे अगर ये प्लेट नहीं लगा रहता तो दिक्कत करता है, ये मतलब यहाँ पे ठोकेंगे तो नहीं मिलेगा, पर जब अपन ये प्लेट को लगा देंगे इस तरीके से तो अब यहाँ पे ठोक के इसको थ्रू कर सकते हैं और आपका जो ये रोटर है बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक के ये बैरिंग और रोटर का इस तरफ का ओडी, इस तरफ का ओटी और ये बैरिंग ये बिल्कुल 0-0 हो जाएगा और इस तरीके से आप जो अपना सीट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अभी देखिए उस तरफ जो ये जीरो हो चुका है फर्स्ट वाला रोटर का सीट और बैरिंग सीट, अब अपन इसको इस रोटर के सीट को और ये बैरिंग सीट को जीरो कर रहे हैं यहाँ से मिला के। तो अब यहाँ पे इसके जो प्लेट लगाएं इसकी वजह से आप ठोकेंगे तो बिल्कुल आसानी से जो है एडजस्ट हो जाएगा और वहाँ पे 0-0 हो जाएगा। दोस्तों इसको थ्रू कर चुके हैं, अब यहाँ पे टाका लगा देंगे इसको कि बाद में ऐसा टाका लगाएंगे जो बाद में निकल जाए बनने के बाद। अब ये टाँका जो है आराम से निकल जाएगा जब ये हमारा जॉब बन जाएगा।